अभी हम दूसरा ब्लाउज का गला का डिजाइन बना के दिखाते हैं। ये वाला डिजाइन बनेगा पीछे साइड में गोल गला में, चारकोट गला में है, गोल गला में बन के दिखाते हैं बना के। ये गोल गला में डिजाइन तो बनेगा। सबसे पहले हम अस्तर को, बैक का अस्तर को साट लेते हैं। और गला का कपड़ा जो है बाकी अस्तर को काट लीजिए। गला का पट्टी पहले बना लेना होगा। इसको पहले पूरे में जोड़िए, ऐसे पकड़ के, ऐसे ऐसे पकड़ के इसको, ताकि लगा के सिलाई ना, ताकि लगा के खत्म। अब इसको चीरा कर लीजिए ऐसे, ताकि कपड़ा मोटा नहीं होगा। गला का पट्टी ये हो गया। अब बैक में पट्टी को पल्टी करना होगा, पट्टी लगा के यहाँ से शुरू। हल्का गला का पट्टी टांग के बैठाइए, गोल गला जो है वो गोल रख के पट्टी को बैठाइए। गला को सीधा होने मत दीजिए। हो गया। अब इस पर नाखून लगाइए। गोल गला गोल है। अभी वाला कपड़ा तो गोल गला में देखिए गोल रख कर दिया। हम घूम रहे हैं कपड़ा को घुमा कर से घूम रहे हैं। हो गया। अब डिजाइन वाला काला कपड़े से हो गया डिजाइन। भीतर में वार्षिक अस्तर को काट लेना होगा। गला को थोड़ा नाखून लगा के बैठा दीजिए। ऐसे हो गया गोल गला। अब हम काला कपड़ा का डिजाइन को बनाएंगे। खड़ा कपड़ा लीजिए, इसमें अच्छा होगा। एक इंच चौड़ा पट्टी ठो बनेगा, तो उसके लिए हमको 2 इंच और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन यानी 2.5 इंच कपड़ा चौड़ा में काटना। ये चीज तो 2.5 इंच होना चाहिए। अब इसको काट लीजिए। अभी कपड़ा को ऐसे रखिए, रख के 1 इंच चौड़ा रख के आप निशान लगा लें। अभी इसको सिलाई लगाइए।
अभी इसको बीच में जो सिलाई का जो घेर है बीच में रख के इसमें चीरा के इस तरह पूरा पोटैटो चीरा करना हो। अंदर में ज्यादा चौड़ा कपड़ा रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा काट के फेंक देते हैं। ज्यादा कपड़ा रहेगा तो मोटा होगा। हो गया। अब इसको जो है बीच में रख के जोड़ दो, इस साइड को जो सिलाई लगा दो। अब इसको पार्टी करना होगा, सिक से इसको पार्टी कर लेते हैं। पलटी हो गया। अभी हमारा काम क्या है, इसको फिर से नाखून लगाइए, जोड़ तो बीच में आना चाहिए। जोड़ तो बीच में लगाइए, हो गया। अब हम काला धागा से सिलाई करना होगा। चीरा हो गया। अब इसको इस तरह पकड़ के शुरू कीजिए, बीच में सिलाई लगाइए। सबसे पहले हम इधर भी पट्टी को ऐसे कपड़ा सीधा होना चाहिए कि पोटैटो हो और ऐसे पकड़िए। यहाँ के रुकिए, फिर ये वाला कपड़ा को इधर लीजिए, फिर उसको इधर इसको इधर ले जाइए, इसको ऐसे। जब तक कपड़ा खत्म नहीं होता है इस
तरह सिलाई करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पट्टी तो तैयार हो गया, देखते हैं। एक साइड का शायद होगा लग रहा है। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ से ऐसे लगा के इधर जाएगा और एक तो इधर आएगा। हम इसको दो पीस कर लेते हैं, एक इधर जाएगा एक इधर आएगा, दो पीस कर लेते हैं। अब एक तो ऐसे बैठेगा, एक तो ऐसे बैठेगा। दो तो बैठाने के बाद बीच में जो है इस तरह पकड़ के सिलाई करना होगा। इस तरह पकड़ के सिलाई करके बीच में फूल जैसा बन जाएगा। अब इधर बैठा लेते हैं, इसका बीच ये वाला है। ऐसे एक दफे इसको भी बैठा लेते हैं, बाकी लगा के इसको खत्म। अब इधर सेटिंग कर लेते हैं, पकड़ के इसको फंसा लेते हैं।
अब ये फूल जो है, ये फूल को बीच में सिलाई करके ऐसे हाथ सुई से सिलाई करके ऐसे बीच में फूल बनाना होगा। बीच में एगो करके मोती दे देंगे, अच्छा लगेगा। तो ये हो गया पीछे गला का, तो हल्के से डिजाइन इस तरह ढेर है, बीच में बनाकर दिखाते रहेंगे। देखिए दोस्तों, देखिए अपने भी बनाइए और मेरा वीडियो देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये डिजाइन जो बना, अब इसको ऐसे ना सुई से ऐसे सिलाई करना होगा, तब फूल बनेगा। धन्यवाद।